हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एचटीएमएल 5 को सीखने की सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, पार्ट 24 है, जिसमें आज हम बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। और टेबल टैग के बारे में बात करने के साथ ही साथ हम टेबल जो उसका टैग है, TR टैग है, TD टैग है और TH टैग के बारे में बात करेंगे। और टेबल टैग को सीखने की सीरीज़ का ये पार्ट टेबल पार्ट 1 है, क्योंकि मैंने इस टेबल को मैंने टैग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम इसके हर एक टैग को सीख सकें। इसको CSS में किस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर इसको मैं स्टाइल देना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से करेंगे, इनलाइन किस तरह करते हैं, तो हर एक चीज़ मैं आपको करके बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और यूज़ करते हैं टेबल टैग को बारे में। देखिए, टेबल अगर आप चाहते हैं कि कोई डेटा है, अगर आप चाहते हैं कि अपने डेटा को शो कराना चाहते हैं वेब पेज पर एज अ टेबल की फॉर्म में, तो टेबल की फॉर्म में डेटा को शो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग का। तो सिंपल आपको टेबल टैग ओपन करना लाइक इस तरीके से, और यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर मैं इसी को सेव करके अगर मैं वेब पेज पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई भी इफेक्ट मेरे यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ना ही मैंने सिर्फ अभी टेबल टैग ऐसा कंटेनर बनाया है, उस कंटेनर के इनसाइड मैंने कोई भी टैग या कुछ भी डेटा एलिमेंट वहाँ पर नहीं डाला है, तो वेब पेज पर वो नल ही शो होगा, मतलब खाली शो होगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा टेबल रो, तो रो बनाने के लिए मैं TR यूज़ करूँगा, टेबल रो, और TR को मैं क्लोज करूँगा इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या हुआ, मैंने एक रो क्रिएट कर ली। ठीक है, और इस रो में मैं कोई डेटा डाल देता हूँ, तो मैं डेटा डालने के लिए यूज़ करूँगा टेबल हेडिंग को, क्योंकि मुझे टेबल की हेडिंग देनी है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा TH टैग यूज़ किया। देखिए, TR जो टैग है उससे हमारी एक रो क्रिएट होगी, मतलब टेबल रो, और TH टैग का मतलब होता है टेबल की हेडिंग देने के लिए, और TD का मतलब होता है टेबल में डेटा ऐड करने के लिए। तो मैंने अभी टेबल बनाया, टेबल मतलब एक कंटेनर बनाया मैंने, उस कंटेनर के इनसाइड मैंने TR टैग को ओपन करके क्लोज करके मैंने रो बनाई, और उस रो के अंदर मैंने TH टैग को यूज़ किया हेडिंग देने के लिए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ स्टूडेंट नेम, इस तरीके से सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ रिजल्ट इसका। कुछ इस तरीके से हमारा पहला जो हमारा रो है वो बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद अगर हमें एक और यहाँ पे हेडिंग देनी है, तो पहले ही रो में मैं दोबारा से TH टैग यूज़ करूँगा। अब स्टूडेंट का नाम है, और स्टूडेंट के नाम के बाद फ़ोन नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर। ठीक है, सेव करता हूँ, वापस रिफ्रेश, ये हमारे फ़ोन नंबर आ गए हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर के बाद मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ उनके फ़ोन नंबर तो हो चुका है, फादर्स नेम, आपके THER फादर्स नेम शो कर लेते हैं यहाँ पर हम। फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम अपने वेब पेज पे शो करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रो एक बना दिया, रो में मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया, ये फर्स्ट मेरी हेडिंग, ये मेरा मतलब कि मेरा पहला कॉलम हो गया, ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया, ये मेरा तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक और रो इंसर्ट करने है। देखिए, क्योंकि टेबल मिक्सर ही होता है रो और कॉलम का, तो एक रो हमने बना ली, और टेब TH की टैग की हेल्प से मैंने यहाँ पर तीन कॉलम बना लिए, मतलब हेडिंग दे दी। तो मैं यहाँ पर दोबारा से एक रो क्रिएट करूँगा, तो TR, उसके बाद मैं TR को बंद करूँगा यहाँ पर, TR वापस। अब मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट करूँगा, रो मेरी क्रिएट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर डेटा ऐड करूँगा, तो मैं TD लाऊँगा, TD वापस, TD को क्लोज करूँगा इस तरीके से। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है सपोज रवि वर्मा, ठीक है, उसके पिताजी का नाम है, तो द्वार से TD टैग यूज़ करूँगा। पिताजी का नाम है जैसे कि मिस्टर राकेश वर्मा। अब मेरे यहाँ पर एक कॉलम खाली चला जाएगा, कि फोर फादर नेम के नीचे फादर नेम यहाँ पे फ़ोन नंबर है, हाँ, तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। तो फ़ोन नंबर है सपोज़ यूज़र का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा टेबल में डेटा ऐड हो चुका है। देखिए, हमने क्या किया, मैंने जो पहला TR जो मैंने टैग ओपन किया था, उसकी हेल्प से मेरा ये एक रो क्रिएट हुआ। अब रो तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमें वेब पेज पर शो नहीं होगा, तो शो होने के लिए मैंने क्या, या तो मैं बॉर्डर का यूज़ करूँगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, या फिर मैं डेटा का यूज़ कर लूँगा।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेबल रो बनाने के बाद मैंने टी एच टेबल हेडिंग यहाँ पर दिया, स्टूडेंट नेम, फ़ोन नंबर और ये फादर नेम। उसके बाद मैंने एक रो यहाँ पर एक और ये वाली क्रिएट किया, उस रो के अंदर मैंने डेटा ऐड किया, पहले कॉलम डेटा ये है, दूसरे का ये है, तीसरे कॉलम का डेटा हमारा ये है नेम। ठीक है, वापस आते हैं। तो मैं एक और रो, अब मैं चाहता हूँ एक बच्चे का डेटा और ऐड करूँगा तो मतलब एक और रो बनेगी, तो यहाँ पर मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ, रो टैग को बंद करेंगे। उसके बाद में डेटा ऐड करना है तो टी डी टैग टेबल डेटा, जैसे बच्चे का नाम है सोनू शर्मा, उसका फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, फ़ोन नंबर है सपोज करो 2345678 फॉर एग्जांपल, जो भी फ़ोन नंबर है उसका। हमें फादर का नाम डालना ऐड करना है टेबल में, तो टी डी बुलाएंगे वापस से, यहाँ पे हम डाल दिया जैसे कि मिस्टर रमेश शर्मा। ठीक है, इस तरीके से सेव करते हैं, वापस आते हैं रिफ्रेश, तो हमारा डेटा इस तरीके से ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीका और है, या तो मैं ऐसे कर लूँ कि मैं वापस एक नया टेबल बनाऊँ। ठीक है, नया टेबल बनाया मैंने, तो ये भी अली नया टेबल बनाया मैंने, ठीक है, विदाउट डेटा, मैं डेटा ऐड नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ ऐसे ब्लैंक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेबल रो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड, देखिए टेबल रो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। एक टेबल रो मैंने बना दिया, मतलब एक रो बन गई मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, वापस पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो टेबल हमारी नल है, तो शो कराने के लिए मैं टेबल के इनसाइड में किसकी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे बॉर्डर इक्वल में कितना 2 सेव करके रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर एक हमारा ये जो पहला रो है वो बनके तैयार हो गया। अब इसके अंदर डेटा नहीं है, इसके हमारा टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, तो कुछ इसी तरीके से वो शो कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं 1 भी यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर डेटा ऐड कर दूँगा तो वो डेटा मेरा यहाँ पर शो हो जाएगा, सपोज़ इस तरीके से कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं TD100 डेटा ऐड कर दिया मैंने इस तरीके से, ये हमारा ये बॉर्डर आ गया। तो टेबल में बॉर्डर देने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं बॉर्डर को सपोज़ यहाँ पे ना देकर यहाँ पर दे दूँ तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो टेबल का स्टाइल है वो आ जाएगा। ये देखिए नीचे वालों को यहाँ पर मैं एक BR दे देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा एक स्पेस क्रिएट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात ये है कि हमने टेबल टैग की हेल्प से टेबल एक कंटेनर बनाया। अब उस टेबल में मुझे रो, ये पहला मेरा फर्स्ट रो था, रो क्रिएट करने के लिए मैंने TR टैग का यूज़ किया, दूसरी रो के लिए फिर TR टैग, फिर TR टैग। अब TR टैग से 3 रो तो मेरे क्रिएट हो चुके हैं, बट उसमें डेटा नहीं है, तो डेटा ऐड करने के लिए मैंने TD टैग का यूज़ किया। ठीक है, और हेडिंग को बनाने के लिए मैंने TH टैग का यूज़ किया। अब डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा हेडिंग जो होता है ये टेक्स्ट ये बोल्ड हो जाता है हमारा, जिससे शो करता है कि जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हमारा जो हेडिंग टेक्स्ट है एक दूसरे डिफरेंस है किसकी हेल्प से, ये हमारे बॉर्डर इसकी बोल्ड जो हमने किया हुआ टैग इसकी हेल्प से ये डिफरेंस है। तो जब हम TH टैग यूज़ करते हैं तो जो भी डेटा हम लिखते हैं वो बोल्ड में हमारा शो होता है, जो कि वो हेडिंग होती है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हम टेबल टैग का यूज़ करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर डेटा नहीं ऐड करता तो सिंपल ये छोटा सा ही, क्योंकि हमारा डेटा नहीं है तो विदाउट डेटा हमारा टेबल शो हो जाएगा, लेकिन छोटा सा हो जाएगा, जिसमें दोबारा दिखाता हूँ आपको सेव करके इस तरीके से। देखिए सिर्फ इतना डेटा हमारा, ये रो हमारा बन के तैयार हो गया, मतलब टेबल बन के तैयार हो गया छोटा, क्योंकि डेटा इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये हमारा टेबल जो हमारा सीरीज़ है उसका Part 1 है, Part 2 में हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे, और किस तरीके से आने वाले वीडियो हम ये भी सीखेंगे किस तरीके से हम टेबल में स्टाइल दे सकते हैं यूजिंग इनलाइन स्टाइल शीट या एक्सटर्नल शीट के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।